जय हिंद दोस्तों, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं जमीन विवाद से जुड़ी एक खबर की ओर। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हरला स्थित नई टाण तीन घरवा निवासी दासो पंडित ने अपने गोतिया लालू पंडित, कामदेव पंडित, पिकू पंडित, राजेश पंडित और कपिल पंडित पर उनके हिस्से की जमीन बाउंड्री करके अपने हिस्से में मिलाने का आरोप लगाया है। इस बाबत जानकारी देते हुए दासो पंडित ने बताया कि मैंने उक्त जमीन पुनिया देवी से रजिस्ट्री करवाया था, जिसे बलपूर्वक मुझसे छीन लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले पर पहले तो गांव में पंचायत हुई, लेकिन उन लोगों ने जब पंच का फैसला नहीं माना तो उसके बाद मैंने उक्त मामले में बेंगाबाद थाना, बेंगाबाद CO, SDO, SP एवं DC महोदय आदि को लिखित आवेदन देकर उन सभी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक इस मामले पर उन लोगों की तरफ से कोई पहल नहीं हो सका है। दासो पंडित ने आगे कहा कि कल मुझे उक्त लोगों ने घर से खींचकर मारने की धमकी दी। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं कमजोर और असहाय हूं, लेकिन मुझे देश के संविधान और कानून पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। वहीं जब इस मामले पर कामदेव पंडित से बातचीत करके उसका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उसने उपर्युक्त सभी मामलों से पल्ला झाड़ते हुए इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए कहा कि ना मैं किसी पुनिया देवी को जानता हूं और ना ही मैंने किसी के हिस्से की जमीन अपने हिस्से में मिलाया है। प्रशासन चाहे तो इस पूरे मामले की जांच अपने स्तर से कर सकता है। प्रशासन के जांच से पूरे मामले से पर्दा हटेगा और दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा। आइए आपको सुनाएं इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा नई टाण तीन घरवा हरला बेंगाबाद निवासी दासो पंडित ने। क्या नाम है आपका? दासो पंडित। क्या दिक्कत है पंडित जी? बहुत दिक्कत है बाबा, हमारा जमीन जो है सो बात जबरन, मेरा घुतिया जो है वो जो है सो पांच बापुत है, किसी को लगाता नहीं है। ऐसा पूरा पंचायत किए शुरू से सर, पंचायत नहीं माने तब थाना आए, थाना मैंने यहाँ आवेदन दिए एक से तीन से चार बार, लेकिन इसके बीच में थानेदार जो है उसको नाम था अजय बाबू, अजय सिंह नाम है, तो उसके पास जब गए तो उसको जो है सो हम लोग ने एक बार दिए नहीं माना। नहीं उसका आपका घर कहाँ है? घर नई टाण है, नई टाण तीन घरवा। नई टाण तीन घरवा कौन पंचायत में पड़ता है? हरला पंचायत। प्रखंड? प्रखंड है बेंगाबाद। बेंगाबाद। तो गोतिया जो है वो आपका क्या क्या दिक्कत गोतिया के साथ? गोतिया के साथ यही दिक्कत है कि हमारा जमीन हम रजिस्ट्री लिए हैं सर, और रजिस्ट्री जो है सो एक हिस्सेदार से लिए हैं, उसका उसमें कोई दावेदार नहीं है, और वो हिस्सेदार वाला जमीन जो है सो हमने निकाल भी दिया, अगला पार्टी जिससे के साथ बेचे थे वो जो है सो 40 में जमीन एक प्लॉट में निकाल दिया 102 में, हाँ 102 में चार प्लॉट 40 मिल और 105 और 106 में दोनों मिला करके 40 मिल, और वो जमीन जो है सो जो पार्टी से हम दिए हैं वो लिखा लिया था 19 मिल, लेकिन वो कहा कि बाबू आपका रजिस्ट्री है तो आप जो है सो 40 मिल ले लीजिए। इसी बीच में उसका भी जमीन पड़ता है वहाँ बगल में, मेरा भी 40 मिल था, वो छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में हम एक साथ रहा दोनों जमीन एक ही जगह, हम सोचे रहे एक दिन जिस दिन ये करेगा फैसला हम लोग बांट करके हमारा 40 मिल निकाल देगा और उसके बाद में ये अपना बनाएगा, लेकिन हमने धनबाद चले गए, मेरा संधि था उसका पैर टूट गया था, हम 15 दिन वहीं रह गए, घर में मेरा कोई है नहीं, मेरा एक बेटा विकलांग है, घर का बहुवन सब जो है सो उजैनी लोग को लगाता नहीं है, पांच गो वो है महारथी पूरा परिवार है वो। क्या नाम है उन लोगों का? हाँ, एक का नाम है लालू पंडित, पिता शुकर पंडित, कामदेव पंडित पिता शुकर पंडित, उसका कामदेव पंडित का बेटा एगो पिंकू पंडित और राजेश पंडित, दोनों पिता कामदेव पंडित, लालू पंडित का एक बेटा है कपिल पंडित, वो लालू पंडित। जमीन का कागज आपका जो है वो है? एकदम पूरा देख लिया जाए सर कागज सब, ओके। हाँ, लेकिन कागज कहीं नहीं कोई देखता है, कागज कोई नहीं देखता है। हाँ, थाना में हम गए
कई बार तो बोला जाइए सीओ पास, सीओ पास सीओ जो है सुखा दिया थाना दिवस में आइए, और तीन बार चार बार आ रहे बाद में वो अगला पार्टी आता नहीं है। आप थाना लेके आवेदन गए? हाँ। सीओ के पास गए? हाँ। उसके बाद फिर क्या जिला उपायुक्त को भी आप दिए थे? हाँ, डीसी साहब को भी है, उसका भी आवेदन मेरे पास है। डीसी को भी दिए? हाँ, रिसीविंग को भी, एसपी साहब को दिए थे, वो भी कॉपी है। कोई आपके साथ नहीं है? नहीं, वो लोग जो है डीसी साहब जो है सो आवेदन भेज दिया ब्लॉक, ब्लॉक जब सीओ पास भेज दिया, आज तीन महीना से वो वहीं घुमा घुमा के रख रहा है, अभी तक वो नहीं भेजा है। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि न्याय चाहिए सर, न्याय चाहिए बस, मुझे कुछ ना चाहिए, हम अकेला बूढ़ा है, वो लोग जो है सो एक के बराबर हम नहीं है। हर समय रात में, आज रात के पहले एकदम मारने दौड़ा सबको, हमको पूरा लाठी डंडा लेकर के जैनी मरद, हम भाग के चले गए, अकेला हम क्या करें। उसका बेटा जो था कामदेव पंडित का बेटा और दोनों, और उसका पत्नी और कामदेव पंडित, हमको जो ऐसा दौड़ा कि भागो बहन चोद यहाँ से, माधर चोद बहुत बड़ा है, तुम रंगबाज बन गया है, तो हमने डर से भाग गए सर।